अगली बार वाली गल नहीं, दो त्रै दिन बाद आ जाएंगे, चलो बिल्कुल ना आने दो, हो सकता है कोई मेंटर साडा रिश्तेदार होया, कोई रिश्तेदार किसी ने घर आया होया, अगर कोई आया है तो जेड़ा साडा हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर फटाफट कॉन्टैक्ट करो, और जितने भी पंच अदराज के सरपंच साहब थे उन्होंने भी ये चीज़ में आखसा कि ग्रां का ख्याल रखो, बाहर में कोई बंदा ना आने दो पंचायत के अंदर, ठीक है जी। कमिश्नर पुंछ की ओर एसीडी साहब की तरफ से आपको एक हदायत दी गई है कि जो जगह जगह पंचायत घर में जाएं, जो जोड़ दिखवाल जाके आपके पंचायत में अपने जो यहाँ पे मास्क बन, इसके हवाले से आप बताएं। सर, वर्दी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ है जिसमें हमने अपनी हर एक पंचायत में जाके 100% मास्क जो है उन लोगों तक पहुँचाने हैं, ताकि कोई भी शख्स बिना मास्क के बाहर ना आए, और इसी कोशिश में हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब अब्दुल रशीद ख्वाजा साहब लगे हुए हैं, और हम जो है डेली हमारी प्रोडक्शन जो है वो करीब 10,000 के आसपास हो रही है, और वही हम कुछ पंचायतों में, आज मैं 4 पंचायतों के लिए यहाँ पर तकरीबन 2,000 मास्क लेके आया हूँ, आज हम इनको ये मास्क देके जाएंगे, अगली प्रोडक्शन में जब फिर से मुझे वहाँ से मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे ब्लॉक लेवल कमेटी से, और फिर से मैं वही मास्क लेकर आऊँगा और यहाँ पर पंचायतों में तकसीम करूँगा। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर भी किया जाए कि मास्क के बगैर वो बाहर यहाँ से ना निकलें, क्योंकि मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, हो सकता है आने वाले दिनों में ढील भी मिल जाए, लेकिन मैंने इनको ये भी अवेयर करने की कोशिश की है, हम सब ने ये अवेयर करने की कोशिश की है कि सारे घरों से एकदम बाहर ना निकले, कोई भी एक आदमी जो ज़रूरी काम के लिए, असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए कोई बाहर जाना चाह रहा है वो जो है जाए और मास्क पहन के और हर वो प्रिकॉशन इस्तेमाल करे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं इनको आज बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे फ़ोन के ऊपर, जैसे कि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, इसी तरह से हमारे फ़ोन के ऊपर एक आरोग्य सेतु नाम की मोबाइल एप्लीकेशन है, सिर्फ 3 MB की एप्लीकेशन है, वो हमने डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन के ऊपर। जितने भी PRIs यहाँ पर आए थे और सरपंच हजरात यहाँ पर आए थे, उन सबको मैंने बताया कि अपने अपने वार्ड के अंदर, पंचायत के अंदर कोशिश करें जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो आरोग्य सेतु नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं उन सबसे, और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है, उसमें हेल्थ के पैरामीटर्स मांगता है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, क्या आपको बुखार है, क्या आपको खांसी है, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सारी चीज़ें वो पूछेगा, और ये चीज़ें हमने उनको सही बतानी है, अगर हम गलत बताएंगे तो फिर आरोग्य सेतु का भी कोई मकसद हल होता हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके और सही इन्फॉर्मेशन उसमें भरनी है, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हमने उसका ब्लूटूथ ऑन रखना है। फ़ायदा उसका ये होगा सर कि कोई कोविड का पेशेंट यहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट अगर दगवार में आ रहा है या किसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है या पुंछ में आ रहा है, तो हमें अपने फ़ोन में जब हम उसके नज़दीक जाएंगे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप कोविड-19 पेशेंट के नज़दीक हैं, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त वो है कोविड-19 से बचने के लिए एक आरोग्य सेतु नाम की मोबाइल एप्लीकेशन है। मैं अपने सुनने वालों के लिए, जो मेरे पंचायत के लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने भी पुंछ के लोग या जो भी मुझे जानने वाले आज मुझे सुनेंगे, उन सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आरोग्य सेतु नाम की मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें और सही इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दें, जो कि बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर। आज देखभाल मलदियाला का सरपंच सरदार परविंदर सिंह, मैं अपनी साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन
हिंदुस्तान में लगाया, इसकी हम अपने लफ्जों में पुरजोर इसका खैर मकदम करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने बचाया। आज मेरी देखभाल में सेक्रेटरी पंचायत व मेरे मेंबर साहिबान ने मास्क वगैरह जो है वो पंचायत में बांटे। मैं पंचायत का भी शुक्रगुजार हूँ, रूरल डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये हमारे देखभाल में भी जो है मास्क वगैरह बांटे। और मैं खास करके अपने पूंछवासियों से, अपने हिंदुस्तान वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन का बिल्कुल बिल्कुल पालन करें ताकि हमारी जो है जो हमारे पब्लिक है वो बच सके। ये बीमारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है अपने घरों में रहें। और मैं ये भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ जो है हमें गांव में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिल रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम सब लोग लॉकडाउन में इनका पूरा साथ दें ताकि हमारे जो है गांव, हमारा शहर, हमारा हिंदुस्तान ऐसा